Hello and welcome to this another online lecture. Today we will be discussing computer networks. First of all, what is a computer network? जब भी हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब ऐसा डिवाइस विच इज़ एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिस तरह आपका स्मार्टफोन होता है या कोई भी फ़ोन होता है, या जब आप अपने लैपटॉप को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क या सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क. अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ सम थिंग्स. लेकिन जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस. इसीलिए यहाँ डेफिनेशन में ही लिखा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट अदर कंप्यूटिंग या अदर जितने भी कंप्यूटिंग हार्डवेयर्स होते हैं दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स. अब ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होती है? कम्युनिकेशन चैनल का मतलब या तो वायर के जरिए ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे या वायरलेस के जरिए आपस में डिवाइसेस कनेक्ट होंगे. इन बोथ द केसेस, जब भी बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे, उसको हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क में जो डेटा होता है, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल है, जब भी आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपने लैपटॉप के अंदर कोई फाइल सेंड या रिसीव करते हैं, या एक फ़ोन ब्लूटूथ के ज़रिए दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी नेटवर्क कहलाया जाता है. जब आप इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट भी जो है दैट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारी नेटवर्क्स है जो आपस में कनेक्टेड है, उसको भी जब आप एक्सेस करते हैं, इसका मतलब वहाँ पे आप बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं. इसी वजह से जब भी आप कोई मेल भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, अगर आप यहाँ से किसी ऐसे बंदे के साथ वीडियो कॉल या मेल करना चाहते हैं जो अमेरिका में है, आप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो भी इंटरनेट के ज़रिए आपके साथ कनेक्टेड है एक बहुत बड़ी सी एक नेटवर्क से, आप भी उसी बहुत बड़ी सी एक नेटवर्क से उस पर्सन के साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक नेटवर्क होगी, चाहे छोटी नेटवर्क हो या बड़ी नेटवर्क हो, इसमें जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं उनको पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसकी वजह से वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. उन रूल्स को कहते हैं हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जिसके एग्जांपल्स हैं, आपने कुछ सुने होंगे, HTTP दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज़ FTP, या IP प्रोटोकॉल आपने सुना होगा इंटरनेट. तो इसी तरह बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. उन सब प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल. इन रूल्स को, इन प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करना पड़ता है, तब एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर एक जगह से, एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस तक भेज सकता है. क्लियर? अब ये जो रूल्स है, ये बनाता कौन है? ऐसे ही तो कोई नहीं बनाएगा. ये रूल्स बनाते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनके नाम यहाँ पे है. फॉर एग्जांपल, IEEE आपने सुना होगा, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, या इसी तरह इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, या WC3 आपने सुना होगा, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है. इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यही डिफाइन करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और द रूल्स दैट डिवाइस नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और टू रिसीव द डेटा. क्लियर? अब ये इवॉल्व कैसे हुआ, नेटवर्क इवॉल्व कैसे हुआ? सबसे पहले 1969 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था, उनका एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET. ARPANET इज़ द एब्रिवेटेड फॉर्म, इट स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. ये क्या था? उस वक्त वॉर सिचुएशन थी. उस वॉर सिचुएशन में एक जगह से एक जहाँ पे मिलिट्री थी, उस एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज फॉरवर्ड ट्रांसफ़र करना था. मैसेज फॉरवर्ड कैसे पहले किया जाता था? एक आदमी को भेजा जाता था और उस जगह से दूसरी जगह तक, जिसकी वजह से टाइम बहुत लगता था. तो उस मैसेज का कोई फ़ायदा भी नहीं होता था, क्योंकि वो 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 मिनट के अंदर पहुंचनी चाहिए थी, जबकि इंसान को या आदमी को बहुत टाइम लगता था. उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए उस टाइम के लोगों ने एक नेटवर्क बनाया. नेटवर्क मतलब उन्होंने कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से वो एक जगह दूसरी जगह के साथ कनेक्ट हो गई, और उस प्रोजेक्ट को नाम रखा गया ARPANET. तो दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया गया, और जब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क बन जाता है, तो दैट वाज द बर्थ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स.
उसके बाद इस कंप्यूटर नेटवर्क्स को और स्टडी किया गया, इसकी एडवांटेजेस इसके को या फीचर्स को और एनालाइज किया गया, देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी वजह से 1980s में फिर नेशनल साइंस फाउंडेशन जो था उन्होंने इसको बताया कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है या प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट होती गई और जो आजकल के ज़माने में आप इंटरनेट देखते हैं दैट इज़ इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ दैट आर्पानेट। तो आर्पानेट धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंटरनेट बन गया, जिसकी वजह से दुनिया भर के डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो दिस वॉज द एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स, किस तरह नेटवर्क वजूद में आया। उसके बाद वट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर हमने अब देखा कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, लेकिन इसको डिवाइसेस को कनेक्ट करने की क्या जरूरत है? ज़रूरत यह है सबसे पहले फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। जैसा कि आप हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको अभी आप यहाँ एक जगह पे हैं, फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु में हैं, आप वहाँ से कम्युनिकेट करना चाहते हैं आसाम में किसी पर्सन के साथ, विद इन अ सेकेंड आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी है जब आपकी डिवाइस उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। अब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकती, बीच में बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस होंगे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सी एक नेटवर्क बनेगी। लेकिन अगर वो नेटवर्क नहीं होती आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इस नेटवर्क का पहला फ़ायदा क्या है? आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका दूसरा फ़ायदा है आप रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल दूसरे पर्सन को सेंड कर दिया, वो आपको कोई फाइल सेंड कर रहा है, चाहे वो म्यूज़िक फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल हो, वीडियो हो, कोई भी, जिस तरह यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, जब तक आप इंटरनेट के ज़रिए यानी कि एक बहुत बड़ी सी एक नेटवर्क के ज़रिए उस सर्वर के साथ, यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्टेड ना हो, तब तक आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो नहीं देख सकते। इसका मतलब यूट्यूब के अंदर जो फाइल्स है वो आप तक शेयर नहीं की जा सकती। इसी तरह सब इजीली हम एक्सेस कर पाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने डिवाइस के अंदर, अगर वो इंटरनेट के ऊपर है कनेक्टेड, उसके अंदर हम कहीं से भी हम उस डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑफिस है जिसके अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं, आप 10 कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी ये डालना चाहते हैं कि वो 10 के 10 कंप्यूटर्स प्रिंट करना चाहे, मतलब वो प्रिंट करना उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रिंट करने की, वो करने के लिए आपको 10 प्रिंटर्स बनाने मतलब इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे हटा सकते हैं, हम एक ही प्रिंटर लाएंगे और 10 के 10 डिवाइसेस को उस प्रिंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, जब जिसकी वजह से अब 10 के 10 कंप्यूटर्स जो होंगे वो प्रिंट कर पाएंगे यूजिंग ए सिंगल प्रिंटर। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हमने एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया 10 डिवाइसेस के साथ, दैट्स वी आर क्रिएटिंग ए नेटवर्क, जिसकी वजह से ये जो प्रिंटर था वो शेयर किया गया मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में। सो दिस इज़ रिसोर्स शेयरिंग। ये रिसोर्स शेयरिंग जो है ये मेन एडवांटेज या मेन एप्लीकेशन है या मेन यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ अदर यूजेज ऑल्सो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद नेटवर्क मॉडल, किस तरीके से हमारे डिवाइसेस होने चाहिए जिसकी वजह से हम या नेटवर्क्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मॉडल जो होता है, जिस तरह हमने डेटाबेस के अंदर देखा था देयर इज अ डेटा मॉडल, किस तरीके से डेटा स्टोर किया जाता है, इसी तरह नेटवर्क मॉडल होता है किस तरीके से आप डिफरेंट डिवाइसेस, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो होती हैं उनको कैसे आप नेटवर्क के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है, पहला मॉडल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये एक कॉमन मॉडल है जिसको यूजुअली हम सब यूज़ करते हैं। इन जो नेटवर्क मॉडल जो है, नेटवर्क मॉडल का दूसरा नाम है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 10 डिवाइसेज है, 10 डिवाइसेज जिनको आप आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कनेक्ट करना चाहते हैं, एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, और आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, उस को यूज़ करने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन 10 में से एक डिवाइस ऐसा रखना पड़ेगा जो पूरी नेटवर्क को मॉनिटर करेगा। वो ये बताएगा कौन सा डिवाइस कब सेंड करेगा, कब रिसीव करेगा, उस डिवाइस को हम कहेंगे सर्वर। बाकी जो 9 डिवाइसेस होंगी, 9 डिवाइसेस होंगी, वो सब के सब क्लाइंट्स बन जाएंगे। इसका मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, भाई क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को, सर्वर वहां से रिस्पॉन्स भेजता है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क मॉडल में सारा काम आपका सर्वर करता है। इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास फिर से है, फॉर एग्जांपल फेसबुक सर्वर या आपका यूट्यूब सर्वर। यूट्यूब सर्वर से इसको समझ लेते हैं। यूट्यूब के सर्वर के ऊपर आपकी बहुत सारी वीडियो फाइल्स होती है, आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्लाइंट है, आप उस सर्वर मशीन के साथ कनेक्टेड है, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे उस फाइल को देखने के लिए, लाइव स्ट्रीम करने के लिए। वो जो सर्वर होगा वो उस फाइल को सर्च करेगा,
उसको धीरे धीरे आपको सेंड करता जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग होती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ जो मेन काम है वीडियो दिखाने का काम, वो सब सर्वर कर रहा है। क्लाइंट मशीन क्या कर रही है, यानी कि आपका स्मार्टफोन क्या कर रहा है, सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहा है। सो दिस इज़ द मेन मेनली यूज मॉडल, दैट इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल, वेयर देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मशीन्स, क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन। क्लाइंट मशीन ऐसी मशीन होती है जो सर्विसेज को यूज़ करती है, जबकि सर्वर मशीन ऐसी डिवाइसेज, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज होती है जो सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। क्लियर? सो दिस इज द मेन मॉडल ऑफ इंटरनेट, दैट इज द क्लाइंट सर्वर मॉडल। दूसरा मॉडल होता है पेयर टू पेयर मॉडल। पेयर टू पेयर मॉडल में क्या होता है, इसमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आप 10 डिवाइसेज को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक डिवाइस, एक स्पेशल डिवाइस होना चाहिए जो सबको मॉनिटर करे। इसमें वैसी बात नहीं होती है, इसमें 10 की 10 डिवाइसेस एक जैसी होंगी। इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर आप ब्लूटूथ के ज़रिए 3 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक डिवाइस मॉनिटर करेगा भाई को बाकी डिवाइसेस कब सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे। नहीं, ये हर किसी डिवाइस की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कब सेंड करेगा, कौन कब रिसीव करेगा। इसका मतलब एक ऐसी नेटवर्क जहाँ पे हर किसी डिवाइस का सेम स्टेटस होगा, वहाँ पे कोई भी क्लाइंट नहीं होगा, कोई भी सर्वर नहीं होगा, जबकि सबके सब डिवाइसेस एक जैसे होंगे, उसको कहेंगे पेयर टू पेयर मॉडल। अनदर इज हाइब्रिड मॉडल, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पेयर टू पेयर मॉडल। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी सी एक नेटवर्क है जिसके अंदर कुछ पोर्शन नेटवर्क का पेयर टू पेयर है और कुछ पोर्शन नेटवर्क का क्लाइंट सर्वर मॉडल है या यूज़ कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम हाइब्रिड मॉडल। सो दीज आर द नेटवर्क मॉडल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग और क्रिएटिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। देन द अनदर सेक्शन इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब डिफरेंट देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, लेकिन इनमें से जो हाईलाइटेड है, दीज आर द मेन टाइप्स, दैट इज लैन, वैन एंड मैन। बाकी जो अनहाइलाइटेड नेटवर्क टाइप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, वो सब सब टाइप्स हैं और इन्हीं 3 टाइप से डिराइव किए जा सकते हैं। अब हम आगे इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी हैव सॉरी फर्स्ट वी हैव लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लैब है जिसके अंदर 15 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर या 50 कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर्स को आप मिला के एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं। जब आप मिलाएंगे, यूजुअली आप वायर से मिलाएंगे या वायरलेस से मिलाएंगे, ठीक है, वो आपकी, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन जब आप इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो नेटवर्क बनेगा उसको कहेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब जब भी आप एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे, यानी कि जो एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में होगा, उसको कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये ज्योग्राफिकल एरिया कितना होना चाहिए, यूजुअली एक रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, क्लियर, या एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स और दूसरे बिल्डिंग के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो दो बिल्डिंग्स एक ही जगह पे सिचुएटेड है, क्लियर। सो दीज आर लैंस। इन लैंस में पहले लगभग 4 से लेकर 16 Mbps, दैट इज़ मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड होती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में 100 to 1000 Mbps भी स्पीड होती है, दैट इज़ वेरी हाई स्पीड। अब वेरी हाई स्पीड क्यों होती है इसमें, क्योंकि नेटवर्क का साइज़ बहुत छोटा होता है और यूजुअली हम वायर्स यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो वायर यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम इथरनेट केबल। अगर आप डिवाइसेस को वायर के ज़रिए कनेक्ट करेंगे लैन के अंदर, उस केबल को हम कहते हैं, वो नॉर्मल केबल नहीं होती है, उसको कहते हैं हम इथरनेट केबल। और उनका जो कनेक्टर होता है वो होता है RJ45, जो आपने देखा होगा जब जो लैंडलाइंस घर पे होती थी, उनका जो कनेक्टर होता है उसको हम कहते हैं RJ45। वही कनेक्टर हमारी लैंड केबल्स में भी होता है। वो जो लैंड केबल होती है उसके अंदर बहुत सारी 7-8 सब केबल्स होती है, छोटी छोटी सी केबल्स होती है, इसीलिए उसको इथरनेट अलग अलग एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ इथरनेट केबल। क्लियर? तो यहाँ लैन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ की जाती है, वो भी कंप्यूटर्स ही होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो यूजुअली होते हैं हब्स या स्विचेस। क्लियर? तो एक ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से कंप्यूटर बाकी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लैन के अंदर कनेक्ट किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्विच या हब। क्लियर? इसकी लैन की बहुत सिंपल सी एग्जांपल है जो आप हर कोई यूज़ करते होंगे। जब आप काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, आप कुछ लोग, ए फ्यू नंबर ऑफ पीपल, इंटरनेट के यूज़ के बगैर, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग ब्लूटूथ, उसके यूजिंग दैट यू कैन
प्ले सम गेम, फॉर एग्जाम्पल काउंटर स्ट्राइक, जब आप कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद खेलते हैं, जैसे कि कॉलेजेस में भी कभी कभी टेक वेगनजा होता है जिसमें कुछ गेम्स खेली जाती है, जहाँ पे इंटरनेट के बगैर आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, एक छोटी सी एक नेटवर्क बन जाती है और उसमें आप इकट्ठे कोलेबरेटिवली गेम्स खेलते रहते हैं. तो उस दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लैंस. अनदर इज़ मैन. अब हमें एक बिल्डिंग या एक कमरे के डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करना है, हमें एक सिटी के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना है. तो हमने कनेक्ट कर लिया, कुछ जगहों पे हम वायर का यूज़ करेंगे कनेक्शन के लिए, कुछ जगहों पे हम वायरलेस का यूज़ करेंगे. लेकिन उसके बाद जब यह नेटवर्क बनेगी वो अब लैन नहीं कहलाई जाएगी, उसको कहेंगे हम मैन, दैट इज़ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. इसका मतलब मैन का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो लैन से ज़्यादा होता है. क्लियर? इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ ए नेटवर्क विच कनेक्ट्स मल्टीपल लैंस. यानी कि आपके मैन के अंदर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर मल्टीपल लैंस होंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी. क्लियर? एट द लास्ट अनदर टाइप इज़ दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. इसकी सिंपल एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट. जब हम इंटरनेट चलाते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ आप इंडिया में बैठे हैं या ग्वालियर में बैठे हैं, यहाँ से आप दुनिया में किसी भी जगह कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, चाहे मेल हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या सिंपल इंटरनेट कॉलिंग हो, आप कहीं पे भी कर सकते हैं. इसका मतलब दुनिया के जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में सब के सब कनेक्टेड है. इसका मतलब अब ये एक सिटी तक डिवाइसेस महदूद नहीं है, दैट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिटी और अ टाउन. इट कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेज इन द वर्ल्ड. इसका मतलब यहाँ जोग्राफिकल एरिया मैन से भी बहुत बड़ा है. तो ऐसी नेटवर्क जो होती है उसको कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क. क्लियर? अगर हम एक प्राइवेट नेट, मतलब एक अलग नेटवर्क भी बनाएंगे जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिया की जो स्टेट्स है वो आपस में कनेक्ट होंगी, वो भी वैन ही कहलाया जाएगा, क्योंकि वो मैन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में ही आता है. इसमें मैंने एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे स्विचड वैन, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, दैट इज़ एटीएम. दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स विच आर यूज्ड इन क्रिएटिंग द वाइड एरिया नेटवर्क. इन तीन को, दैट इज़ लैन, मैन एंड वैन को छोड़ के, द अदर टाइप्स आर पर्सनल एरिया नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एम्बेड किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी पे, हार्ट बीट, टेम्परेचर या बाकी चीज़ों को सेंस करने के लिए. वो जो डिवाइसेस होती है वो भी आपस में कनेक्टेड होती है. अब वो एक एरिया, एक रूम के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करती है, वो बॉडी के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं या चिप्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं. वहाँ जो नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क. दूसरा होता है होम एरिया नेटवर्क. अगर आप अपने घर के अंदर आपने एसी, आपने वॉशिंग मशीन, आपने अपना फ्रिज या ऐसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब को कनेक्ट किया है और सबकी सब डिवाइसेस सब आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि आजकल के ज़माने में कुछ कुछ जगहों पे हो रहा है. तो वो जो नेटवर्क बनती है, अब ये इसको हम कह सकते हैं होम एरिया नेटवर्क. दैट इज़, इट इज़ ओनली कनेक्टिंग द होम अप्लायंसेस विद ईच अदर. अनदर इज कैंपस एरिया नेटवर्क. जो हम कह रहे थे लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन अगर आपका किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो उसका हम दूसरा नाम कैंपस एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं या कैंपस नेटवर्क्स भी कह सकते हैं. अनदर इज एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क्स. अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस इन्फोसिस के अंदर जितनी भी डिवाइसेस है वो सब के सब कनेक्टेड है और वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, तो उस नेटवर्क को हम कह सकते हैं इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क. अनदर इज इंटरनेटवर्क्स, या इसको हम इंटरनेट भी कहा. इंटरनेटवर्क्स मतलब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ जब कनेक्टेड होता है. अब यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि दो लैंस आपस में कनेक्टेड है, वो तो लैन ही फिर से बन गया. नहीं, ये एक लैन दूसरे मैन के साथ हो सकता है, एक लैन दूसरे लैन के साथ हो सकता है, एक लैन वैन के साथ हो सकता है. तो वहाँ जो नेटवर्क बनती है वो उसको हम इंटरनेटवर्क्स भी कह सकते हैं. अनदर इज़ बैकबोन नेटवर्क. बैकबोन नेटवर्क जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे इंटरनेट के ऊपर दुनिया भर की डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है. अब फॉर एग्जांपल जो एक सिटी के अंदर डिवाइसेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्वालियर के अंदर जो डिवाइसेस है वो कनेक्टेड है, उसके बाद इंदौर के अंदर जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड है. अब एक ऐसा नेटवर्क जो इंदौर की डिवाइसेस को ग्वालियर की डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है, या
इंडिया की डिवाइसेस को अमेरिका की डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है एक ऐसा नेटवर्क जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं बैकबोन नेटवर्क। अनदर इज ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जिसकी एक सिंपल एग्जांपल है इंटरनेट, जो आगे लिखा भी है मैंने, जहाँ पे आप ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितनी भी डिवाइसेज है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज वी आर सम ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और भी बहुत सारी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस नेचर। तो ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव को देख के हमारे पास मेनली तीन टाइप्स होती है, लैन, मैन एंड वैन, और उसके अलावा उन्हीं से हम इन चीज़ों को या इन टाइप्स को डिराइव कर सकते हैं जो आपके सामने है। थैंक यू।